हेलो सो स्टार्ट करते हैं अब. जो पिछले वाला लेक्चर था ना, उसके अंदर मैंने आपको वैसे तो एक चीज़ बताऊँगा आपको. पहले देखो, ट्वेल्थ क्लास की जो लेक्चर सीरीज़ है वो बीच में मैंने बंद कर दी थी. तो हो सकता है यू हैव कॉप विद मी अबाउट सम टाइम, बट सॉरी फॉर दैट. और दोबारा इसको कंटिन्यू कर रहे हैं आज से. तो सबसे पहले तो आप ये देखो, मैंने आपको कहाँ तक करवा दिया था? करवा तो मैंने आपको पूरा मतलब वहाँ तक दिया था. मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता दिया था, एरिया वेक्टर बता दिया था. उसके बाद मैंने कॉन्टीन्यूअस तीन टाइप के लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब मैंने मतलब आपको बता दिया था. बट उसके बाद शायद वो लास्ट वाली वीडियो थी, वो उसके अंदर कुछ मतलब था, टेक्निकली इशू था. तो जो टेक्निकल स्टाफ है उन्होंने वो वीडियो शायद अपलोड भी नहीं की. चलो जो भी, अगर देख लेना आप लोग ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है. मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ से मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको मतलब एडजर्न किया था, है ना. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद में से स्टार्ट करते हैं. दो ही नया चैप्टर है गॉस लॉ वाला, उसके अंदर मैंने दो ही अभी चीज़ें आपको करवाई है. एक तो मैंने आपको करवाया है एरिया वेक्टर और एक मैंने करवाया आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स. उसके बाद का जो है वो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ. तो सबसे पहले आप ये देखो, मैं आपको बताता हूँ. हाँ, आपका टॉपिक है कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप किसको बोलोगे? कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप बोलोगे अगर कोई मतलब कोई भी शेप है, ठीक है, कोई भी शेप है. जैसे मान लो ये बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर मैं 100 कूलाम चार्ज है उसको इक्वल, ठीक है, इक्वल ऐसे 100 कूलाम चार्ज को इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, ये हर जगह बिखेर दूँ, तो वो वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, एक चीज़ और, आपको थोड़ा सा लग सकता है नॉइस लग सकता है, एक मिनट. ओके, सो कंटिन्यू करते हैं उसके आगे. मैं आपको ये बता रहा था कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कि कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. वेन ए बिग अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी चार्ज के एक बड़े अमाउंट को हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ए सरफेस. यानी एक बिग अमाउंट ऑफ चार्ज है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एक सरफेस पे एक हिसाब से. देन दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अब आपका जो कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखिए तीन टाइप का होता है. एक तो आपका कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. देखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अगर आप कोई भी बड़ा चार्ज है उसको अगर आप एक पूरी की पूरी लाइन के लोग कोई लीनियर शेप के लोग अगर बांट दो तो उसको बोलेंगे अपन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. देखो नेचर के अंदर तीन टाइप की शेप होती है. कौन कौन सी? एक तो लीनियर टाइप की शेप होती है, जैसे आपका वायर है, कोई भी वायर है, आपकी टनी है, आपकी कोई लाइन है, उस टाइप की जो सरफेस है वो आपकी क्या होती है? वो आपकी होती है लीनियर सरफेस. एक होती है सरफेस, ठीक है, मतलब जिसको अपन लोग बोलते हैं 2D सरफेस या डायरेक्टली उसको सरफेस ही बोलते हैं. वो कौन सी होती है? जैसे ये बोर्ड है,
ठीक है। तो ये बोर्ड है, ये 2D सरफेस है, इसको एरिया सरफेस बोलते हैं, 2D सरफेस बोलते हैं, कई नाम है इसके। अच्छा, तीसरा एक होती है वॉल्यूमेट्रिक सरफेस। जैसे वॉल्यूमेट्रिक सरफेस होती है, जैसे ये मार्कर है ना, ये 3D सरफेस है, एक वॉल्यूमेट्रिक सरफेस है। तो इसको अगर देखो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होगा, ये कोई वायर है, आपने इस वायर के लोंग पूरा का पूरा जो चार्ज है उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसको आप लिखोगे कैसे, आप इसको लिखोगे व्हेन एन बिग अमाउंट, ए बिग अमाउंट ऑफ चार्ज, बिग अमाउंट ऑफ चार्ज इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ए लीनियर सरफेस, देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो दैट इज द डेफिनेशन। और उसके बाद में इतना ही अभी, दूसरा आपका होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी कुछ नया नहीं है। अगर आप लाइन की जगह आप कोई बोर्ड ले लोगे, जैसे आप कोई ब्लेड ले लोगे, ब्लेड का मेन कोई पत्ती ले लोगे और इसके ऊपर आप चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो ये वाला आपका कौन सा है, ये वाला आपका है एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसको एक चीज़ और भी बोलते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वेदर यू से एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और ऑल्सो यू कैन से सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल एज सेम फॉर्म। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको और बताऊं, देखो उसके अलावा मैं आपको और बताऊं इसके अंदर, तो एक और आपका होता है तीसरा, देखो इसकी डेफिनेशन आप लिख लेना, व्हेन ए बिग अमाउंट ऑफ चार्ज इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ए 2D सरफेस, इसकी जगह 2D लिख लेना, देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड अगर मैं आपको बताऊँ इसके अंदर, तो थर्ड आपका होता है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें, तो देखिए वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जब आप कोई मतलब चार्ज है, उस चार्ज को एक वॉल्यूम के अगेंस्ट आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो इस हिसाब से, देन इट इज़ कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो तीन टाइप है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वही आपको सेम लिखना है, व्हेन ए बिग अमाउंट ऑफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ए 3D सरफेस, देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो तीनों टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन है, उनकी सिंपल सी डेफिनेशन है और कर सकते हो आप, है ना, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल योर, कुछ भी मान लो, इसको नोट्स समझ के उतार लो या एनीवे, मैंने समझा दिया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसके बाद, अगर बात करें तो नेक्स्ट आपका है फोर्सेस या फोर्स
एक्टिंग इन वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलो सबसे पहले मैं आपको कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी बताता हूँ, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, देखो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी है वो तीन टाइप की होती है, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी और तीसरा आपका होती है कौन सी, जिसको अपन लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। अच्छा इसके अंदर अगर बात करें तो सबसे पहला जो आपका है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, देखो डेंसिटी कोई भी चीज़ ये बताती है, डेंसिटी का मीन ये हुआ कि वो जो चीज़ है उसके ऊपर चार्ज कितना डेंस है या कितना रेयर है, ठीक है, कितना चार्ज है वो स्प्लिट कर करके फैला है या कितना इकट्ठा फैला है, कितना ज़्यादा इकट्ठा हुआ है, ठीक है। तो डेंसिटी का मीन ये हुआ कि कोई भी चीज़ के ऊपर जो चार्ज है वो कितना घना है या कितना थोड़ा है, ठीक है। अगर मैं आपको इसके अंदर बताऊँ सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी के अंदर, तो हाँ एक चीज़ देखो आप, ये कोई वायर है, इसके ऊपर हमने बहुत सारा चार्ज है, उस चार्ज को इसके ऊपर एक्युमुलेट करवा दिया यूनिफॉर्मली हर जगह सेम चार्ज, तो इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा वो क्या होगा, इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा वो आपका होगा टोटल चार्ज अपॉन में टोटल लेंथ, ठीक। अच्छा लीनियर चार्ज डेंसिटी की अगर बात करें तो इस चार्ज की जो डेंसिटी है उसको बोलते हैं लेमडा, तो आपका जो लेमडा है वो किसके इक्वल होता है, टोटल चार्ज इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना होता है क्यू, और अपॉन में अगर इसकी लेंथ की बात करें तो एल, तो लेमडा है वो किसके इक्वल हो गया क्यू बाय, क्लियर ठीक। अच्छा ऐसे ही अगर आपको ये बोलते हैं कि कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी बताओ, तो देखो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या हुआ, ये प्लेट है इसके ऊपर आपने चार्ज को स्प्लिट करवा दिया हर जगह यूनिफॉर्मली इक्वली इक्वली, अब अगर आप इसकी डेंसिटी निकालोगे तो इसकी होगी एरिया या सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये किसके इक्वल आ गई, ये इक्वल आ गई टोटल चार्ज और अपॉन में अगर बात करें टोटल एरिया। अच्छा अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो वो होती है सिग्मा, टोटल चार्ज होता है क्यू और बाय में एरिया होता है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या आ गया क्यू बाय। थर्ड अगर बात करें तो इसके बाद एक मिनट विजिबल है क्या नीचे, है शायद थोड़ा सा है, थर्ड अगर बात करें इसके अंदर तो थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, देखो उसमें क्या होगा, उसमें आप एक क्यूब वगैरह ले लोगे और जो क्यूब है उस क्यूब का जो एरिया हो उस, देखो क्यूब में क्या होता है वॉल्यूम, तो क्यूब की जो चार्ज डेंसिटी होती है उसको रो से लिखते हैं और वो हो जाएगी कोई भी क्यूब के अंदर टोटल चार्ज और बाय में टोटल, तो ऑल थ्री फॉर्मूला यू शुड हैव टू रिमेंबर एंड दैट इज़ द कॉन्सेप्ट, कर लेना भी इसको। और अगर कुछ देखो अगर आप अपना जो फ़ोन है उसमें अगर आप वॉल्यूम डाउन वाला बटन और पावर बटन एक साथ प्रेस करोगे तो इसका फ़ोटो खींच जाएगा, है ना, तो आप इसका स्नैपशॉट लो और उसको बारे में लिख सकते हो आप, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, और देखो वैसे चलो यही तरीका अच्छा है, ज़्यादा यही तरीका अच्छा है कि पहले चीज़ों को समझो
और उसके बाद आप उनको नोट डाउन कर लो वहीं पे रोक के, जब बोर्ड भर जाए उसके बाद में वहीं पे रोक के उसको पूरे को आप जोट अप कर लो, है ना। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आपका है वेरियस टाइप ऑफ फोर्स, वेरियस टाइप ऑफ फोर्स फॉर वेरियस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक चीज़ एक और सुनो, देखो ये सबसे पहली बात तो ये कोई मतलब वो नहीं है, ये कोई मतलब आर्ट क्लास नहीं है, या अगर देखो आर्ट क्लास कहना गलत होगा, मेरा कहने का मतलब है ये कोई वैसे मतलब थ्योरेटिकल क्लास नहीं है, ये साइंटिफिक क्लास है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, देखो ये जो आपको टॉपिक है ना, इनकी हेडिंग सेम टू सेम बुक के अंदर ना भी मिले, ठीक है, जैसे मान लो इसी की हेडिंग आपको मिल दे फोर्सेस ड्यू टू वेरी फोर्सेस ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, या आपको सीधा ही मिल जाए फोर्सेस, या आपको ये हेडिंग ही ना मिले, उसके अंदर जो टॉपिक है उसके अंदर ही आपको फोर्स निकाल के दे दे। मैं तो अलग अलग चीज़ों को इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको हर स्टेप पे मतलब आप चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर सको, है ना। तो कहने का मतलब हुआ ये थोड़ा सा आप अपना यहाँ पे कॉमन सेंस यूज़ करना कि जो आपका है जो आपका है मतलब हेडिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, बस आप चीज़ों को समझते जाओ, ये मत सोचना बुक से, ये डायरेक्टली ये मत सोचना कि ये तो इसमें है ही नहीं, ये अलग हो गया वगैरह वगैरह, जो जो उस लेवल में है वो मैं यहाँ करवा रहा हूँ। अच्छा आगे बात करते हैं, नेक्स्ट अगर बात करें वेरियस टाइप ऑफ फोर्स, ये ये करते हैं। देखो इसमें ये पूछना क्या चाहता है, सबसे पहले चलो हेडिंग है ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो इसके अंदर आपको ये पूछना चाहता है कि ये कोई मतलब ये वो है वायर, इसके ऊपर आपने जगह जगह चार्ज को बिखेर दिया, आप कहीं से टोटल क्यू चार्ज उठा के लेके आए, इस क्यू चार्ज को तोड़ा, स्प्लिट किया और इसके ऊपर अलग अलग जगह फैला दिया इसका चूरा बना के। अब अगर मैं इस छोटे से इतने पार्ट की अगर बात करूं, इतने से पार्ट की, तो इस इतने से पार्ट के पास एक बहुत छोटा चार्ज आ गया डी क्यू, ठीक है, और बहुत सारे डी क्यू जब ऐसे मिलेंगे तो पूरा चार्ज कितना बन जाएगा, क्यू चार्ज बन जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे सुनो ये पूछना चाहता है कि ये वायर है, इस वायर के पास में हम यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज लेके आए क्यू नोट, तो ये वायर इस क्यू नोट पे कितना फोर्स लगाएगा, ये पूछना चाहता है एग्जामिनर। तो ये डिस्टेंस मान लेता हूँ मैं कितनी आर, क्लियर है। अब आपको एक चीज़ पता है कि जो फोर्स होता है वो कितना होता है, कि क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं एफ की बात करूँ तो के की जगह के, आप देखो इतने से चार्ज के कारण फोर्स निकाल रहे हैं, तो इतने से चार्ज के कारण छोटा सा फोर्स होगा, उसको मैं लिख देता हूँ डी एफ के। क्यू वन चार्ज कितना है, बहुत छोटा सा चार्ज है डी क्यू, और क्यू टू कितना है क्यू नोट, और अपॉन में आर स्क्वायर। तो जो आपका डी एफ है वो किसके इक्वल हो गया, के क्यू नोट डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब इसके बाद में अगर बात करें नेक्स्ट, तो हाँ नेक्स्ट इसके बाद बात करें तो देखो हमें इतने से पोर्शन के कारण फोर्स नहीं निकालना है,
हमें फोर्स निकालना है पूरे वायर के कारण इस पॉइंट पे कितना होगा, तो हमें निकालना है कंप्लीट फोर्स ड्यू टू वायर ऑन द एक्सटर्नल चार्ज क्यों नहीं। तो देखो अगर आपको पूरा फोर्स निकालना है तो आप छोटे वाले फोर्स df का क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। अगर इसकी बात करें तो इसका इंटीग्रेशन कर दिया k q नॉट डी क्यू और अपॉन में r स्क्वायर। अगर इसकी बात करें तो k का k, q नॉट का q नॉट, और ये तो बाहर आ गया और अपॉन में r स्क्वायर। चलो हाँ k q नॉट बाहर आ गया और अंदर क्या बच गया, डी क्यू अपॉन में r स्क्वायर k q नॉट, हाँ डी क्यू। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखो लेमडा क्या होता है, q बाय l। अगर मैं इस छोटे से की बात करूँ तो इसके लिए लेमडा है वो कितना होगा, dq अपॉन में dl। तो अगर मैं इसकी जगह रख दूँ dq की जगह, तो dq की जगह क्या आएगा, dq की जगह आएगा लेमडा dl। तो मैं बस यही करने वाला हूँ, मैंने dq की जगह रख दिया लेमडा dl और अपॉन में r स्क्वायर। तो दैट इज़ द फॉर्मूला फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कोई वायर है वो कोई पॉइंट पे कितना फोर्स लगाएगा, के क्यू नॉट इंटीग्रेशन डी क्यू की जगह लेमडा डी एल अपॉन में, दैट इज द क्लियर है। अगर आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इधर आप वेक्टर लगा दो और उधर आप लेमडा डी एल अपॉन में आर स्क्वायर और आर कैप लगा दो, सो कर सकते हो आप, है ना, कर लेना भी इसको, कर सकते हो तो फिर ठीक है। तो दैट इज द फोर्स फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर। आगे नेक्स्ट देखते हैं। वैसे एक चीज़ बताऊँ आपको, अगर यहाँ पे डीएल के ऊपर वेक्टर आएगा तो फिर आर कैप नहीं आएगा, और अगर डीएल के ऊपर वेक्टर आएगा तो फिर सॉरी अगर आर कैप लगाना है फिर डीएल के ऊपर वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, तो वो आप लोग देख लेना, ठीक है। चलो मैं इरेज करता हूँ इसको, आप वही काम करना अपना, इसको मतलब इसका फ़ोटो लेके और यू कैन मेक प्रॉपर नोट्स एट्सेट्रा जो भी करते हैं इसको आगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट अगर बात करें तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स फॉर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण अगर फोर्स की बात करूं तो वो आपका क्या होगा, आप कोई सरफेस लो उस पर आप सारा चार्ज बिखेर दो। देखो ये तीनों समझो, उसके बाद आई बेट कि आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मान लो किसी को पहले वाला थोड़ा सा समझ में नहीं आया, तो जब ये करोगे ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला जो पूरा है इसके ऊपर आपने क्यू चार्ज था उसको तोड़ा और इसके ऊपर बुरका दिया, इतने से पार्ट के पास जो चार्ज आया वो कितना आया, छोटा सा चार्ज डी क्यू। अच्छा यहाँ पे कोई चार्ज लेके आए क्यू नॉट, ये बंदा पूछ रहा है कि मतलब एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि इस पूरे के कारण, इस होल के कारण इस क्यू नॉट पे कितना चार्ज, कितना फोर्स लगेगा, है ना। तो अगर हम बात करें इसकी सबसे पहले, हाँ तो सुनो, अगर मैं फोर्स निकालना चाहूँ तो फोर्स क्या होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। अच्छा k की जगह k, q1 की जगह छोटा सा चार्ज है dq, तो छोटा सा ही फोर्स लगा सकेगा dl।
और दूसरा चार्ज है क्यू नॉट अपॉन ए। क्लियर? तो df कितना हुआ, df आपका हुआ k q नॉट डी क्यू ओपन में r स्क्वायर। अगर आपको पूरी सरफेस के लिए फोर्स चाहिए, फोर्स ड्यू टू होल प्लेट, आपको पूरी प्लेट के लिए अगर फोर्स चाहिए तो वो क्या होगा f, और f कब आएगा जब पूरे df का क्या कर दें, इंटीग्रेशन। अगर पूरे df का इंटीग्रेशन कर दें तो इंटीग्रेशन k q नॉट अपॉन में r स्क्वायर डी क्यू इसका इंटीग्रेशन। अब आपको पता है सिग्मा क्या होता है, क्यू बाय ए, तो यहाँ से छोटा सिग्मा क्या हो जाएगा, मतलब इतने से पार्ट के लिए सिग्मा क्या हो जाएगा, डी क्यू बाय डी ए। तो इसका मतलब ये हुआ सिग्मा आ गया डी क्यू बाय डी ए, और यहाँ रख दो आप एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के क्यू नॉट आर स्क्वायर, और सिग्मा यहाँ से डी क्यू की जगह आप क्या रख सकते हो, सिग्मा डी ए। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट, यहाँ आप रख दो सिग्मा डी ए, ये हो गया तो बस खत्म है। के क्यू नॉट बाहर ले लो, अंदर आएगा सिग्मा डी ए अपॉन में आर स्क्वायर। तो दैट इज़ द रिजल्ट फॉर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखो, आपके अगर छोटे छोटे इसमें डाउट आ रहे होंगे, कईयों के ये डाउट आ रहा होगा कि जब पूरे का किया तो ये इंटीग्रेशन कैसे किया, कईयों को ये भी डाउट आ रहा होगा कि ये सिग्मा है वो लेमडा था तो जब डी डी किया तो यहाँ डी सिग्मा क्यों नहीं हुआ। तो वो वाले जो डाउट है वो मैं जब तीसरा करवाऊँगा इसके जस्ट बाद, कौन सा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला, तो उसके अंदर मैं कंपाइल ले लूँगा वो डाउट। ठीक है, तो उसके अंदर अगर मैं कंपाइल वो डाउट ले दूंगा तो वहाँ पे सब कुछ तुम्हारा क्लियर है। नेक्स्ट देखो, तीसरा आपका है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बात करते हैं आगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले चलो मैं आपको वो तीन चार डाउट पहले क्लियर ही कर देता हूँ। अच्छा एक क्वेश्चन है, सुनो पहले एक क्वेश्चन है, अभी वो क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन ये पूछा है किसी ने कि जो आपका लेमडा है, सिग्मा है और रो है, ये कम से कम कितना हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, और साथ में उसका ये भी क्वेश्चन है कि क्या ये जीरो से इन्फिनिटी हो सकता है। बात करते हैं, देखो सबसे पहले तो अगर बात करें तो आपका जो लेमडा है या सिग्मा है ये होता क्या है, ये आपका होता है एक टाइप से सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या अगर मैं बोलूँ तो तीसरा आपका कौन सा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तीनों डेंसिटी है। ठीक है, और डेंसिटी लिटरली तो देखो कोई चीज़ की कितनी भी हो सकती है, कोई चीज़ की कितनी भी डेंसिटी हो सकती है। लोहा है उसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, टाइटेनियम की लोहे से भी ज़्यादा है, कल को कोई और मेटल ऐसा खोजा जाए जिसकी डेंसिटी और भी ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसे ही ये चार्ज की डेंसिटी है, कोई चीज़ के ऊपर कितना ही डेंस चार्ज हो सकता है, किसी के ऊपर कितना ही हो सकता है, किसी के ऊपर कितना ही हो सकता है, कितना भी चार्ज हो सकता है। अच्छा अगर मैं आपको ये बताऊँ कि चार्जेस के बारे में ऐसा थोड़ा सा नहीं है, ठीक है, चार्जेस की डेंसिटी है वो इन्फिनिटी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अगर हाँ एक चीज़ सुनो, इसकी मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो चार्जेस की डेंसिटी ज़ीरो तो हो ही नहीं सकती, ज़ीरो तो कोई चीज़ की डेंसिटी नहीं हो सकती। ज़ीरो कब होगी, देखो लेमडा की बात करते हैं, लेमडा क्या है, क्यू बाय एल। अच्छा डेंसिटी ज़ीरो कब होगी, जब या तो क्यू ज़ीरो है ना, लेकिन अगर कोई चीज़ के ऊपर चार्ज ही ज़ीरो होगा तो उसके ऊपर तो फिर चार्ज होगा ही नहीं, तो फिर चार्ज ही नहीं तो कहाँ की डेंसिटी। तो ज़ीरो से तो ज़्यादा ही होगा, है ना, लेमडा है वो ज़ीरो से तो ज़्यादा ही होगा। अच्छा आगे बात करते हैं,
दूसरा जीरो कब हो सकती है, जब एल इन्फिनिटी हो।